नमस्ते दोस्तों, अपर्णाज रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चटपटा आंवले का अचार। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम मेहनत में कम समय में ये बन जाता है। इसे आप रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हो। सिंपल दाल चावल या खिचड़ी के साथ भी आप इसे सर्व करो तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अचार के लिए एक मसाला बनाएंगे। तो गैस पर हमने ये पैन रखा है, इसमें डालेंगे राई, सौंफ और ये जीरा। इनको हम लो मीडियम फ्लेम पर एक दो मिनट भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये आधा चम्मच मेथी दाना और इसे साधारण एक मिनट भूनेंगे। इससे ज्यादा इन्हें ना भूनें, नहीं तो ये ज्यादा कड़वे लग सकते हैं। सारी चीजें अच्छे से भूनने के बाद हमने इसे थोड़ा सा ठंडा होने दिया है। अब हम इसे मिक्सर या ग्राइंडर में ग्राइंड करके लेंगे। ये देखिए, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, पर इसे हमने बिल्कुल पाउडर जैसा नहीं किया, थोड़ा सा रफली ग्राइंड किया है। आप भी ऐसा ही करें। अब हम फिर से गैस की तरफ चलेंगे। इसमें हम डालेंगे साधारण आधा कप या 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, पर मस्टर्ड ऑयल में ये ज्यादा अच्छा लगता है। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे ये आंवले के टुकड़े। आप देख सकते हो आंवले को मैंने कितना पतला पतला काटा है, इसे ये आसानी से अच्छे से भुने जाते हैं। तो इनको हम लो मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए, इनको हमने अच्छे से भून लिया है। ये थोड़े से सॉफ्ट भी हुए हैं, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे ये ग्राइंड किया हुआ मसाला, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और ये हल्दी पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने बाद में और लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड किया है, तो टोटल 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच से थोड़ा ज्यादा नमक डाला है। अचार में थोड़ा ज्यादा नमक अच्छा लगता है। अब इसे पूरा ठंडा होने देंगे और उसके बाद एक कांच की बोतल में निकाल कर रखेंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो यहाँ पर मैंने एक बोतल लिया है। ध्यान रखें इसमें पानी की एक भी बूंद ना हो। ये बिल्कुल ड्राई होना जरूरी है, तभी अपना अचार ज्यादा दिनों के लिए अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये कितना सुंदर और चटपटा लग रहा है। ये बहुत ही टेस्टी भी बना है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे 4-5 घंटों बाद यूज करना स्टार्ट करें। तो आप भी इसे जरूर बनाएं और आपके अनुभव नीचे के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो पर लाइक करना और इसे शेयर करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।